आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। राजस्थान राज्य के जालौर जिले में एक और तो राज्य सरकार के द्वारा महंगाई राहत शिविर का आयोजन सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बड़े ही शानदार तरीके से करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहत शिविर के नाम पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा आगामी विधानसभा के चुनावों के नाम पर आम जनता और गरीबों को बेवजह परेशान और दुखी करने के लिए राहत शिविर का नाम लेकर वाहवाही लूटने का नाम करने के लिए और केवल चुनावी थोथी योजना के नाम पर महंगाई राहत शिविर का आयोजन हर ग्राम पंचायत में आयोजन कर रही है। वहीं जब गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के राष्ट्रीय चैनल प्रमुख डॉक्टर के एल परमार के नेतृत्व में उनकी टीम अचानक जालौर जिले के आहोर पंचायत समिति के चरली ग्राम पंचायत और दयालपुरा ग्राम पंचायत में आयोजित हो रहे महंगाई राहत शिविर में अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तब मुख्यमंत्री गहलोत के महंगाई राहत शिविर की पोल खुलती हुई नजर आई। महंगाई राहत शिविर में जब हमारी गुरु ज्योति पत्रिका की टीम आम जनता और गरीब जनता जब परेशान और अत्यंत खुशी और हताश हो रही थी, तब रहा नहीं गया और आम जनता का दर्द और दुख अपने कैमरे में कैद कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा संचालित योजनाओं की खुलेआम जनता के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार की पोल आखिर खुल ही गई। आम जनता ने गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को बताते हुए कहा कि हमारे तो आज दिन तक कई महीनों और कई सालों से भटकते भटकते परेशान होकर हताश और निराश होना पड़ा और कई महीनों से ना तो हमारे घर पर पानी आ रहा है और ना ही स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई तवज्जो दिया जा रहा है। हमें इग्नोर कर हम तो परेशान हो गए। आखिर हमें गुरु ज्योति पत्रिका चैनल का ही सहारा लेना पड़ा, तब हुआ हकीकत इस बात का खुलासा। अब बड़ी उम्मीदें लेकर महंगाई राहत शिविर में पहुंचे थे कि हमारा कार्य आज हो जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टे ही इन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इधर से उधर भटकाकर हमें परेशान करने के अलावा और कोई इनके पास सहारा नहीं है, फिर भी हमारा कार्य नहीं करते, यह हम नहीं कहते। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि महंगाई राहत शिविरों के नाम पर हकीकत क्या होता है, यह तो साफ साफ तस्वीरें ही बयां कर रही हैं। और यहां तक महंगाई राहत शिविरों में उपखंड और पंचायत समिति स्तर के कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी होते हुए भी इस प्रकार के हालातों से आम जनता और गरीब जनता इतनी परेशान है, तो फिर जब यही आम जनता और गरीब लोग जब इन्हीं सरकारी कर्मचारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दफ्तरों के आगे दर दर की ठोकरें खाते होंगे तो किस प्रकार के हालातों का सामना करते होंगे। एक और तो ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री राहत शिविरों में प्रतिनिधि के बतौर सरपंच पति भी उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में कार्य करते हुए नजर आए। वहीं सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक और प्रतिनिधि के कार्य करने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। वहीं उच्च अधिकारियों की ही मौजूदगी में ही प्रतिनिधि केवल कार्य करे और सरपंच की गैर मौजूदगी हो तो इस बात से साफ अंदेशा लगाया जा सकता है। इन मुख्यमंत्री राहत शिविरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा ही मिलीभगत अगर कहे तो भी इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं हो सकती है। साफ तौर से जब सरपंच की गैर मौजूदगी में ही प्रतिनिधि के नाते उनके पति या परिवार में कोई कार्य करे तो गांव का विकास होना तो कोसों दूर की बात है। अगर ऐसा कहे कि यहां जंगल राज और पापा बाई का राज है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं हो सकती है। अब यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है, अधिकारियों की मौजूदगी में ही सार्वजनिक तौर पर खुलेआम मंच पर प्रतिनिधि सरपंच की गैर मौजूदगी में ही खुलेआम कार्य करें तो एक चिंता और बड़े ही शर्मिंदगी का विषय भी यहां खड़ा होता है। साफ तौर से कहें कि अधिकारियों की मिली भगत साफ है, बड़े ही दुख की बात तो यह है। ऐसे महंगाई राहत शिविरों में जिला कलेक्टर स्वयं भी शिविरों में केवल मात्र के लिए जाएं और केवल साफा और माला पहनाकर इतिश्री करें और माला पहनाकर इतिश्री कर दें और आम जनता का हालात तक नहीं पूछें तो बड़े ही शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता है। एक जिले का कलेक्टर भी आम जनता को इग्नोर करे, जब जिले का जिला कलेक्टर ही आम जनता को नजरअंदाज करे, उसे यह पता नहीं कि हम आम जनता के नौकर हैं और यह साफ तौर से तस्वीरें बयां कर रही हैं।
अगर ऐसा कहे कि इस राजस्थान सरकार इन महंगाई राहत शिविरों के नाम पर केवल और केवल गरीबी और दुखी जनता को परेशान कर और इन कर्मचारियों और अधिकारियों के सिर्फ मजे कहे और जंगल राज और पोपाइयों की संज्ञा दे तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री राहत शिविरों में भीड़ भी कम ही नजर आई और लोग भी रुचि नहीं ले रहे थे और तो और प्रशासन भी नदारद रहा। आप स्वयं ही गुरु ज्योति पत्र का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल की तस्वीरें देखकर अंदेशा लगा सकते हो कि इस राजस्थान में महंगाई राहत शिविरों के नाम पर क्या होता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हो। नाम प्यारी। हाँ, क्या समस्या है आपको? पानी की। कितना समय हो गया पानी नहीं आ रहा है? पानी 3 महीना होगा। तो आपने यहाँ जो कर्मचारी है उनको बोला था आपने? कितनी बार बोला? बोला था कि मैं आऊंगे। हाँ, फिर क्या हुआ? अभी तक नहीं आए? नहीं आया। तो ये जो शिविर लगा है, कैंप लगा है, इस शिविर में 2 दिन हो गए, आप इस शिविर से संतुष्ट हो, राजी हो गए नहीं हो? अच्छा, बड़े बनने अलावा कौन समस्या है? तो जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जो महंगाई राहत शिविर कैंप करे रिया है, अन कैंपती जो है अपन जो भी टंकी बीजी फ्री करे रिया है, तो एक खाली जुमलो है के हकीकत है? जुमला कौन कहना चाहो बारे में? आप कौन कहना चाहो? आप बोल। तो कतरा टाइम से पानी नहीं आवे रही हुए और जो कर्मचारी है उन्होंने आप क्यों हुई नहीं आता ही नहीं है? देखी तभी नहीं है देखिए गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, जब जालौर जिला मुख्यालय के आहोर पंचायत समिति के दयालपुरा में जो मुख्यमंत्री राहत शिविर चल रहा है उसमें औचक निरीक्षण करने पहुंची थी राष्ट्रीय चैनल प्रमुख डॉक्टर के एल परमार के नेतृत्व में, तब राहत शिविर की पोल खुलती हुई सामने आई। ये गुरुज्योति पत्रिका चैनल की तस्वीरें बयान कर रही है। हाँ जी, आपका परिचय? जी, तो सर ये सरपंच प्रतिनिधि आप हो और जिस तरह से यहाँ भीड़ बिल्कुल पाई नहीं जाती, अभी आज जैसे कि हमारी टीम पहुंची तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। कारण? 2 दिन का कैंप है। सर फिर भी भीड़ तो होनी चाहिए ना, यहाँ कर्मचारी आधे है आधे नहीं है। करवा दे, बूढ़ा में कैंप चल रहा है, चल रहा है, 2 दिन का करवा दे, भीड़ कमी दिखेगी आपको। पंचायत में चालू है हमारी, अब देखो जनता को। क्या आपके गांव की जो जनता इस कैंप से संतुष्ट है? तो भीड़ क्यों नहीं है सर, संतुष्ट होती तो? माजी के पर्चा देशावरम रहते हैं। जो भीड़ थी वो कल सारे अपने काम करवा के जा चुके हैं और जो लाभान्वित होना था वो सब लोग हो चुके हैं। और आहोर ब्लॉक से चल्ली ग्राम पंचायत 4 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ के सनवाड़ा और चल्ली के लोग सब आहोर जाके ये सारी सुविधाएं प्राप्त कर चुके हैं और जो बचे हुए थे वो सब कल आए थे, तो आज काफ़ी कम लोग हैं क्योंकि हर घर में इसकी सेवा पहुँच चुकी है। लेकिन यहाँ तो भीड़ तो नहीं देखी सर महोदय? तो आप आज बता रहे हैं ना, आप कल आए होते तो कल यहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ थी, सारा प्रशासन यहाँ पे था और जो बाकी लोग थे वो सब कल आके जा चुके हैं। आज बहुत कम लोग जो कल यहाँ नहीं आ पाए वो लोग आ जाए। आपका परिचय? मेरा नाम ज्ञान राम मीणा, नायब तहसीलदार तहसील आहोर जी। सर जिस तरह से ये दयालपुरा में मुख्यमंत्री राहत शिविर चल रहा है, यहाँ पे जब गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल की टीम पहुँची तो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल कम और कुर्सियाँ पूरी खाली दिख रही है,
आखिर इस राहत शिविर से क्या जनता को आपने पहले से संतुष्ट कर लिया? ये दो दिवसीय कैंप है, इसमें महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांवों के संग अभियान दोनों ही कैंप साथ साथ में चल रहे हैं। तो कल से ये दो दिवसीय कैंप था, तो कल मामले कुछ तो निपटा दिए और बाकी के आज भी अभी तक सारे निपटा दिया। भीड़ नहीं होने का कारण है कि एक नेट बंद है, तो वहाँ पंचायत में ये जो महंगाई राहत वाले हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो रहा है और फिर वहाँ से करवा के फिर ये इनके गारंटी कार्ड यहाँ से वितरण हो रहे हैं और सबका पूरे भी हो भी गया, इसलिए अब भीड़ नहीं है। सर, आप एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते फिर भी यहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी नजर पाई जाती है, तो एक बहुत बड़ा शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? स्टाफ तो सभी यहाँ मौजूद है, सभी सर पूरी कुर्सियाँ जिस तरह से जैसे कुर्सियाँ खाली दिख रही है, जैसे कोई आगंतुक मेहमान भी आते हैं उनके लिए ये कुर्सियाँ रखी हुई है और बाकी हमारे जैसे एसडीएम साहब तहसीलदार साहब है तो वो पादल्ली प्रकरण में उधर लगे हुए, तो उस हिसाब से बाकी यहाँ विजिट करके एसडीएम साहब भी कल विजिट करके गए हैं, वीडियो साहब अभी गए हैं, दूसरे और भी सरली कैंप चल रहा है, सागरना एक कैंप और चल रहा है, इसलिए सभी विभागीय अधिकारी उधर भी हैं।